हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज बात करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, बकुल से बात करनी ही पड़ेगी। घर में तो कोई नहीं है, यह आवाज कैसे? कीर्ति, बकुल, मैं कुछ बोलता क्यों नहीं है? कीर्ति भैया, कीर्ति भैया का सूटकेस? भैया बैंगलोर नहीं गए क्या? भाभी भी वापस आ गई? बकुल भैया, भैया आप बैंगलोर नहीं गए क्या? भाभी, देखो कीर्ति, ये खून का मामला एक बार फिर से सोच ले। क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है? सर, अब हमें नहीं लगता है कि ये बात सच है। आपके लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तभी बोलना। हो सकता है ये सच बोल रही हो, क्या पता? मैं पागल नहीं हूं, मैं होश में हूं। मैं कह रही हूं ना आपको कि आशिका भाभी ने खुद ही बोला है कि उन्होंने बकुल भैया का खून किया है। भाभी, भाभी, भैया, आशिका भाभी, 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 भाभी का धड़ धड़ कौन? भाभी, 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 ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? भाभी मार गया बकुल। किसका खत्म? मार दिया, सब खत्म, मार दिया। सिर्फ मार दिया ये कहने से साबित नहीं हो जाता कि उसी ने बकुल को मारा है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ और बोलना चाहती है। हाँ,
एक बात बताओ, जब बकुल का खून हुआ उस वक्त तुम सब लोग कहां पर थे? कहां थे तुम लोग? मैं और नितिन तो एक दोस्त की शादी में खंडाला गए थे। कीर्ति का कॉल आया और हम भागे चले आए। मेरी बिजनेस मीटिंग थी होटल क्रिट्स में, वहाँ एक क्लाइंट के साथ डिनर था। जैसे ही नितिन का फोन आया तो मैं यहाँ पर चला आया। और आप कीर्ति, आप कहाँ थी? मैं बाहर गई हुई थी। कीर्ति बाहर गई थी? चाचा जी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे और आप दोनों खंडाला गए थे। उस वक्त बकुल और आशिका घर में अकेली थी, है ना? बकुल भैया अभी बैंगलोर जाने वाले थे, उनकी 11 बजे की फ्लाइट थी और आशिका भाभी तो पार्टी में गई थी। आप सब घर में नहीं थे तो फिर बैंगलोर जाने वाला बकुल वापस क्यों आया घर पे? और ये आशिका, वो पार्टी से वापस क्यों आई? तो वो आप जाकर आशिका भाभी से पूछिए ना कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। वो तो घर पे ये बोलकर गई थी ना कि वो सुबह वापस आएंगी। वो तो हम पूछेंगे उससे। फिलहाल आप बताइए, आप कहाँ गई थी बाहर? मेरी मदर बांद्रा रहती है, उनको अचानक फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं उनके पास ही गई थी और फिर वहीं से मैं आई। वाह, हर एक के पास एक्सप्लेनेशन है कि बकुल के खून के वक्त मैं यहाँ था, मैं वहां थी, मैं वहां गया था। सबके पास एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हम CID वालों से सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं, सामने आकर ही रहता है। पूरी बॉडी में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे यहाँ पे। सर हमने टेस्ट भी किया सर, यहाँ पे जो खून है इसके अलावा कहीं भी खून नहीं है। एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, है ना? बताया सर, इनका कहना है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? आशिका तुम्हें याद आ रहा है तुमने कीर्ति को होश में आने के बाद कुछ बताया था? याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो। कीर्ति कह रही थी कि बकुल का खून तुमने किया, ऐसा तुमने खुद उसको बताया। कीर्ति इल्जाम लगा रही है मेरे पे, बकुल को मैंने नहीं मारा। सर कहीं ये याददाश्त शानी की एक्टिंग तो नहीं कर रही है? हो सकता है, क्योंकि बकुल यहाँ कमरे में खून से लथपथ पड़ा है और इसके सर पे थोड़ा सा निशान है, बस। बेहोश हुई कैसे? वही तो, इससे सच उगलवाना पड़ेगा। कैसे उगलवाएंगे सर? सच उगलवाएंगे नार्को टेस्ट से। अठारह अप्रैल की रात को जब आप पार्टी से घर लौटे तो क्या हुआ था? मैं घर में घुसी, बकुल चिल्ला रहा है। फिर क्या हुआ? फिर मैं रूम में गई देखने के लिए। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि बकुल,
जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा बकुल वहां पे है। उसके पीठ से खून निकल रहा था। उसने मुझे मदद के लिए कहा। जैसे ही मैं उसके नजदीक गई, मैंने वहीं पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई देखी। मुझे गुस्सा आया और मैंने वहां पड़ा एक कांच को उठाया। और बकुल को मार दिया। तभी मुझे मेरी गर्दन पे प्रेशर महसूस हुआ। मैं बेहोश होने लगी। बेहोश होने से पहले मैंने दरवाजे पे एक फिगर को देखा जिसने ऑरेंज फ्लोरेसेंट जैकेट पहन रखी थी। आदमी था या औरत थी? आदमी। ओके, फिर क्या किया उसने? वो मेरे पास आ रहा है, शायद मुझे मारना चाहता है। अच्छा, आशिका, तुमने वहाँ किसी औरत की लाश को देखा था? हाँ, देखा था। औरत की लाश? वहाँ पर तो हमें किसी औरत की लाश नहीं मिली। हम तो बकुल के मर्डर की जांच कर रहे हैं। अभी एक नया केस कहाँ से आ गया? कौन सी औरत की लाश है? कौन थी वो औरत? मुझे याद नहीं, सब धुंधला दिख रहा है। ये कहीं ये हमें गुमराह तो नहीं कर रही? समझ में नहीं आ रहा है, ये किस औरत की बात कर रही है, किस औरत की लाश की बात? आशिका, तुमने बकुल को क्यों मारा? क्यों मारा बकुल को? ठीक ही हुआ कि वो मर गया। वैसे ही जिंदा रहता तो मैं सड़कों पे धक्के खाती। क्यों? सड़कों पे धक्के क्यों खाते? बच्चलन साबित करना चाहता था, तलाक चाहता था मेरे से। जब वो मरी हुई औरत, वो कौन थी? मैंने आपको कहा ना, मुझे याद नहीं वो कौन थी। देखो आशिका, हमें वहां पर किसी भी औरत की लाश नहीं मिली। फिर कहाँ गई होगी वो लाश? मुझे जब होश आया, वो लाश वहां से जा चुकी थी। और वो फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ आदमी? वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, दरवाजे पे ही खड़ा था, शायद मेरे बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। अभी तो आशिका वही बोल रही है जो उसे अच्छा लगता है, मगर टेस्ट में उसने सब कुछ सच सच बोला है। थैंक यू सर। अगर इसने नार्को टेस्ट में सच बोला है तो हमें उस मरी हुई औरत के बारे में पता करना पड़ेगा। लगता है क्राइम सीन पर दोबारा जाना पड़ेगा, अच्छी तरह से फिर से चेक करते हैं, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। सर, ये मशीन कोई स्पेशल मशीन है? ये मशीन छोटे से छोटा सबूत ढूंढने में भी सक्षम है, जैसे कि माइक्रोब्स जो अक्सर धूल में मिल जाते हैं। और ये जो मशीन है ना, ये इस कमरे में छोटा से छोटा जो डस्ट पार्टिकल होगा ना, छोटे से छोटा, उससे उस जैकेट वाले आदमी का पता बता देगी जो इस कमरे में मौजूद था। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जो हमारी नजरों से बच गया वो इस मशीन ने ढूंढ निकाला।
नाखून लगता है। वो भी नेल पेंट लगा हुआ, डेफिनेटली कोई औरत का है। मगर सर यहाँ कैसे? शायद भागा दौड़ी हाथापाई में किसी चीज से ठोकर लगी होगी और नाखून यहाँ पे रह गया। घर वालों का पता करो, इनमें से तो किसी का नहीं। पर घर में तो किसी का भी नहीं है। शायद उस औरत का होगा जिसकी लाश आशका ने देखी थी। लगता तो ऐसा ही है। नाखून का किसका ये? सर नाखून का डीएनए किसी भी फैमिली मेंबर से मैच नहीं हुआ। लेकिन एक बात पता चली बस, ये नाखून जिस किसी का भी है वो एक औरत है और उसकी उम्र 20 से 25 साल। 20 से 25 साल की औरत। और एक बात, ये जो बारीक बारीक सफेद सफेद कण देख रहे हैं ये हाई परसेंटेज ऑफ हाई एंड कोकेन है। नाखून में सुनिए, तो ये औरत ड्रग एडिक्ट भी है? हाँ, घर परिवार की नहीं बाहर की है। सर कोई बाहर वाली वहां पे आई है तो किसी कार ऑटो टैक्सी वगैरह ही किया होगा। हाँ पता लगाना पड़ेगा रिक्शा वालों से टैक्सी वालों से कि क्या उनमें से किसी ने उसे घर पर छोड़ा है क्या। सर वो आशिका बता रही थी कोई फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर की जैकेट पहने हुए आदमी था वहाँ पे। बेहोश होने से पहले मैंने दरवाजे पे एक फिगर को देखा जिसने ऑरेंज फ्लोरोसेंट जैकेट पहन रखी थी। वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में ही पता लगाना पड़ेगा। और सर जितने ड्रग पेडलर्स हैं उनसे भी पता करना पड़ेगा कि कितनी औरतें ये हाई एंड कोकेन लेती हैं। अभिजीत एक काम करो, रिक्शा वालों से टैक्सी वालों से पता लगाओ क्या किसी ने इस औरत को घर पर छोड़ा था क्या, और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी चेक करो। बताया जाओ, शहर में जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं ना सबसे जाकर पूछताछ करो, देखो क्या वो किसी ऐसी औरत को जानते हैं जो हाई क्वालिटी कोकेन इस्तेमाल करती है। और हम जाकर उन घर वालों से मिलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे इस हादसे के वक्त। तुम्हारी एसोसिएशन से पता चला है कि 10 तारीख को यानी परसों रात में तुमने शांति निवास बंगलों में किसी लड़की को छोड़ा था? हाँ सर, छोड़ा था। कितने बजे की बात है? सर लगभग 1 बजे की बात है, उसी बंगलों में। सर बहुत नशे में थी वो और बार बार अपने हस्बैंड को गाली दे रही थी। अच्छा जी सर। ये लड़की थी वो? हाँ सर यही थी वो। वहाँ बंगलों के आसपास कुछ गड़बड़ लगी क्या? नहीं सर, गड़बड़ तो कुछ नहीं लगी, सब कुछ नॉर्मल ही था। और एक कार खड़ी थी, एक बाइक और सर एक गार्बेज वैन भी था। गार्बेज वैन? जी सर। सर 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 मैं भी एक लड़की को परसों शांति निवास बंगलों के बाजू में छोड़ा था। कितने बजे? सर यही कोई 12:30 के आसपास। और तुमने 1 बजे छोड़ा था? जी सर। ये लड़की थी वो? नहीं नहीं सर, ये लड़की नहीं थी। तो इसको तुमने 1 बजे छोड़ा और 12:30 जिस लड़की को छोड़ा था उसको दोबारा देखोगे तो पहचान जाओ? एकदम सर, बरोबर पहचान लेगा। गुड, सुनो तुम लोगों से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका सही सही जवाब चाहिए।
जरा सा भी झूठ बोला ना तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझे? सर, झूठ बोल के जान आफत में नहीं डालनी हमें। तो फिर बताओ, जिस दिन बकुल का खून हुआ उस दिन क्या चेतन तुम्हारे होटल में था? जी सर, वो होटल में थे और उन्होंने सारा समय क्लाइंट के साथ बिताया। उन्होंने क्लाइंट के साथ डिनर भी किया। अच्छा, तो ठीक है, क्लाइंट के सारे डिटेल्स चाहिए हमें और उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी। शीना, कीर्ति की माँ को फूड पॉइजनिंग क्यों हुई? खाने में क्या मिलाया था? मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था, आंटी जी तो बाहर गई हुई थी। जब वो वापस लौट के आई उनकी तबीयत खराब थी। सर, नितिन और सिया दोनों सारा दिन शादी में ही थे। पूछे भी नहीं बता रहे, रट्टा मार के आए हो क्या? नहीं मैम, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। 11 बजे फंक्शन बंद करा दिया था हमने, उसके बाद में नितिन और सिया वो लोग कहाँ गए? फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए सर। ए, ये माल किधर मिलेगा? चाहिए। मिलेगा, कितना चाहिए और पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट माल इस्तेमाल करने के बाद। माल इस्तेमाल करने के बाद भागने के बारे में ना सोचना भी मत। मेरे पास हर एक क्लाइंट की ना कुंडली है, कुंडली, और उस कुंडली में लिखा है कि मेरा क्लाइंट ओवरडोज से मरेगा या मेरी बंदूक की गोली खा के। मगर तेरी कुंडली में लिखा है जेल जाना। क्या पागलपन है ये? कौन है आप लोग? ये हमारा आदमी है। चल बात हो गया। बस उन सब औरतों के फोन नंबर चाहिए हमें जिन्हें तुम ड्रग सप्लाई करते हो। जल्दी लाओ। पूर्वी, देखो जरा, कॉल करके देखो इन सारे नंबर्स पर, देखो कोई गायब तो नहीं है। हेलो। हाँ जी, मैं सोनारिका से बात कर सकती हूँ? देखिए मैम, सोनारिका जो है 2 दिन से यहाँ काम पर नहीं आ रही है। क्या? और जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं। 2 दिन से? ठीक, थैंक यू सर। सर, डायरी में जो फोटोज थी उनमें से ये वाली लड़की गायब है। इसका नाम सोनारिका है और ये एक बार में काम करती है। 2 दिनों से गायब है। ये सोनारिका, ये तुम्हारी क्लाइंट है? हाँ सर। इसी लड़की को छोड़ा था तुमने? हाँ सर, यही थी। अच्छा, यही थी। आशिका ने इसी को देखा होगा। बकुल के परिवार वालों को अंदर देख रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए ये फोटो। ये वो लड़की है जिसकी लाश आपके घर से मिली थी। आप लोग जानते हैं सर? हाँ? नहीं सर। अब मैंने देखा है इसे बकुल भैया के साथ 2 महीने पहले। बकुल भैया के साथ 2 महीने पहले कहाँ पर देखा था? एक होटल के बाहर, और भैया ने कहा कि ये उनकी क्लाइंट है। सर, एक ड्रग एडिक्ट
बार में काम करने वाली लड़की के साथ बकुल था, पर इनसे झूठ बोल रहा था कि क्लाइंट है। क्यों क्यों झूठ बोला उसने? सोनालिका यहीं पे काम करती थी ना? जी हाँ, यहीं काम करती है। आप लोग कौन? सीआईडी। सोनालिका का खून हो गया क्या? इसीलिए वो दो रात से यहाँ काम पर नहीं आ रही। हाँ, मगर हमें उसकी लाश नहीं मिली है, और के साथ साथ ये बकुल नाम का आदमी है, इसका भी खून हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि सोनालिका का इस बकुल के साथ क्या संबंध है। संबंध के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आदमी कभी कभी हमारे बारे में सोनालिका को लेने आता था। फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी तेजी ही दे सकती है साहब। ये तेजी कौन है? सर, ये है तेजी। तेजी, सोनालिका तुम्हारी दोस्त थी, ये बताओ कि इस आदमी के साथ सोनालिका का क्या संबंध है? सर, सोनालिका का बकुल के साथ अफेयर चल रहा था। बकुल उसके सारे रईसों वाले खर्चे उठाता था, उसे कोकिन तक के खर्चे देता था, पर उसको हमेशा बकुल से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती थी। कैसी शिकायत रहती थी? वो कहती थी कि सुनाई का क्या हुआ? मैं बकुल के साथ ना अब ये रिश्ता और नहीं रख पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ना तो रिश्ता रखने के पैसे मिल रहे हैं, नहीं बकुल अपनी बीवी आशिका को डाइवोर्स दे रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेगी तो? ब्लैकमेल। क्या? मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी जिसने मुझे नाटक करने के लिए कहा है। तो कोई सोनालिका को पैसे दे रहा था बकुल के साथ प्यार का नाटक करने के लिए। मास्टरमाइंड कोई और ही है। हाँ, और उसी मास्टरमाइंड ने प्लान किया और इस सोनालिका और बकुल को मार दिया, और आशिका का वहां पर आना प्लान में शामिल नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बकुल अपनी फ्लाइट छोड़कर घर वापस क्यों आया। पर सर, अगर खूनी को बकुल की गर्लफ्रेंड को मारना ही था तो कहीं और भी मार सकता था, वहां घर पे ही क्यों फोन किया? तो शायद खूनी को पहले से पता था कि बकुल के घर में कोई नहीं, इसीलिए उसने धोखे से सोनालिका को वहां पे बुलाया और उसी समय बकुल और आशिका वहां पे पहुंच गए होंगे। ये हो सकता है। पर सर, लाश को घर से बाहर कहां लेके गए होंगे और कैसे? क्योंकि बकुल के घर की सारी गाड़ियां तो पहले से बाहर थी। खूनी अगर चाहता है तो क्या लाश के टुकड़े करके वो सूटकेस में भी ले जा सकता है, या फिर लाश के टुकड़े करके वो प्लास्टिक के थैलियों में भी डाल सकता है? कचरे की थैलियां है प्लास्टिक की। हाँ सर, एक कार खड़ी थी, एक बाइक, सर एक गार्बेज वैन भी था। क्या? रात के एक बजे बंगले के बाहर एक कचरे की गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब है सर, ये खून प्लांट था। खूनी गार्बेज वैन लेके आया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और सर, ये फ्लोरेसेंट ऑरेंज कपड़े गार्बेज वैन वाले तो पहनते हैं। सर, चेतन जिस कंपनी के बिजनेस डिनर पे गया था, ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं। मेरी बिजनेस मीटिंग थी होटल क्रिट्स में। और कीर्ति की माँ ने बाहर कुछ भी नहीं कहा। मेरी मदर बांद्रा रहती हैं, उनको अचानक फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं उनके पास ही गई थी। फिर भी उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस रात बकुल और सोनालिका का खून हुआ उस रात खंडाला से कोई टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी आई थी क्या बंगले पर? अपनी माँ की बीमारी के बारे में सच सच बताओ। उनकी मेड शीना का कहना है कि उनकी जो भी हालत थी घर के खाने की वजह से नहीं हुई। हाँ, ये सच है, उन्होंने घर का खाना नहीं खाया था, बल्कि वो तो ये बता रही थी कि वो ड्राइवर के साथ बाहर गई थी और
कार में उन्होंने कुछ दवाई खाई थी। दवाई खाई थी? हाँ, हमारे ड्राइवर अमन का भी यही कहना है। तुम्हारा ड्राइवर अमन का? सर, उन सभी ड्राइवरों को साथ में लेके आया हूँ जो गार्बेज वैन चलाते थे। हमें एक गार्बेज वैन के बारे में पता चला है जो आधी रात को सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसमें लाश डाल के ले जाया गया। वैन का पता चल गया? सर्वेलेंस कैमरे में वो वैन साफ साफ दिख रही है हमें। क्यों? तुम हो ना उस वैन के ड्राइवर? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई लेकर गया था सर उस वैन को। अब वो उसे कहाँ लेकर गया था और क्यों लेकर गया था मुझे कुछ नहीं बताया सर उसने। फोन लगा उसको? जी सर। हेलो अमन, कहाँ है तू? क्या भाई, कैसा है? सोनालिका का खून तू नहीं किया ना? हाँ, और कीर्ति की माँ के पानी के बॉटल में तूने कुछ मिलाया था? सर, सर मैं सब सच बता दूँ, मैंने तो जो कुछ किया उस फोन कॉल की वजह से किया था जो बकुल सर के बंगले से आया था। किसने फोन किया था बकुल के बंगले से? मैंने उसे कभी देखा नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। औरत ही आदमी? सर, कभी कभी तो औरत की आवाज में फोन आता था और कभी आदमी की आवाज में। सर, ये जो कोई भी है ना, ये बकुल के घर वाला ही। हाँ, मगर तूने ये सब किया क्यों? कोई फोन पे कुछ भी बोल देगा तू कर देगा? सर, मुझे लालच दिया गया था सर कि मेरे 5 लाख के कर्जे को चुका दिया जाएगा अगर मैंने उनकी बात मानी तो। सर, मैं लालच में आ गया था, मगर मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैंने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाया था सर। लाश कहाँ? लड़की का गला घोटा गया, शायद इसी से इसकी मौत हुई। तो इसीलिए सोनालिका के खून का कोई भी निशान नहीं था क्राइम सीन पर। और इसके पैर के अंगूठे का नाखून भी उखड़ा हुआ है। और सर, ये क्या है, ये पीला पीला पार्टिकल? यही तो इस केस की सबसे अहम कड़ी है। चलिए खड़े हो जाइए सर, उठिए। और कितनी पूछताछ करेंगे आप लोग? सब कुछ तो बता दिया हमने। इस बार कोई पूछताछ नहीं होगी, आप सभी का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट क्यों? पर क्योंकि आप में से कोई है जो सच नहीं बोल रहा। आपके पास कोर्ट की परमिशन है इस नार्को टेस्ट के लिए? जी हाँ, परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करते। नींद आ रही है? जो मैं आपको बोलूंगी उसका सही सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है? सोनालिका को जानती हो? हाँ। बकुल का अफेयर था सोनालिका के साथ, ये भी जानती है? हाँ, मुझे दोनों पे शक था।
क्या आशिका ने सोनारिका का खून किया है? आशिका जानती नहीं थी सोनारिका को, तो खून कैसे करेगी? अभी आपको नींद आ रही है? हाँ। सोनारिका को जानते हो? नहीं। बकुल का अफेयर था सोनारिका से, ये जानते होंगे आप? नहीं। क्या आशिका ने सोनारिका का खून किया है? आशिका सोनारिका को जानती थी, आशिका ने ही बकुल और सोनारिका का खून किया है, उसी ने ये खून की साजिश रची थी। आशिका की हरकतें कुछ दिनों से काफी अजीब थी, ये बात मैंने बकुल को बताई थी। क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं नितिन, सिर्फ इतना बताना था कि ट्रुथ सीरम के असर से इंसान सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसे पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बात यह है कि इंसान का दिमाग अपना मेमोरी शेयर करता है पर ओपिनियन नहीं देता, जैसे तुमने अभी किया। अब सारी असलियत फटाफट बता दे, वरना असली वाला सीरम देना पड़ेगा तुझे। असली ट्रुथ सीरम मतलब? मतलब ये कि हमने जो सीरम दिया था वो ट्रुथ सीरम नहीं था, ग्लूकोज का इंजेक्शन था। व्हाट? शक तो हमें तुम पे पहले से ही था, लेकिन सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। नितिन सब कुछ तुमने बड़ी सफाई से, बड़ी चालाकी से किया था, लेकिन सोनारिका के चेहरे पर जो हल्दी लगी थी ना, उसने तुम्हें पकड़वा दिया। वही हल्दी जो शादी के वक्त तुम्हारे हाथ में लगी थी। ये पीला पीला पार्टिकल दरअसल हल्दी है, और इस हल्दी में आटा और तेल भी मिला हुआ। आटा, तेल, हल्दी? चेहरे पे हल्दी नहीं है, सिर्फ यहाँ कदम के पास। कहाँ से आई होगी ये हल्दी? सर सिया बता रही थी कि वो लोग खंडाला गए थे शादी के लिए, और वहाँ पे हल्दी की रस्म में शामिल भी हुए थे वो लोग। बकुल 500 करोड़ का एम्पायर चला रहा था, वो एम्पायर जो मैंने सेटअप किया था, लेकिन वो मुझे ही उस एम्पायर से बेदखल करने की फिराक में था। तो फिर उससे बात करते थे, उसे समझाते थे? बात करने की कोशिश की थी सर, कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो सुनता तब ना। भाई था वो मेरा, मैं नहीं मारना चाहता था उसे, लेकिन वो पूरा एम्पायर अपने नाम पे करवाना चाहता था, इसीलिए फिर मैंने भी एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बकुल और आशिका के आए दिन झगड़े होते रहते, वो आशिका को छोड़ना चाहता था, मैंने सोनारिका को पैसों का लालच दिया और उससे कहा कि बकुल से झूठ मूठ का प्यार का नाटक करे, और एक दिन आगे जाके उससे शादी भी करे। दरअसल मैं सोनारिका के जरिए अपना एम्पायर हासिल करना चाहता था। मगर उसे क्यों मार दिया? वो तो तुम्हारा साथ दे रही थी शुरू में सर, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इसलिए तुमने सोनारिका को धोखे से घर बुला लिया। हाँ सर, उस रात मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि सब लोग घर से बाहर रहे, मैं भी सिया के साथ खंडाला चला गया, और जैसे ही सिया ने दवाई ली और सो गई, मैं फौरन टैक्सी पकड़कर यहाँ आ गया और अमन को बुला लिया। सोनारिका के घर पहुंचते ही, देखो सोनारिका मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर बीच रास्ते में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हो जाए प्लान चौपट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे उस बकुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ, ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो बहुत पछताओगी, बता रहा हूँ मैं। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ ऐसा ही समझ लो,
ये सोनारी का मुझे फंसाना चाहती थी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बकुल 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 अमन को फोन पे पहले ही बता दिया था सोनारिका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। पैसों की लालच ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुम अपना सगा रिश्ता भी भूल गए, अपने भाई की जान ले ली और तो अपनी साथी सोनारिका को भी मार डाला। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।